झारखंड में पुलिस प्रशासन का क्रूरतम चेहरा। पिछले 26 नवंबर 2008 को दुमका जिले के मुन्नी हाजदा, चरण कुमार और राजचरण मुर्मू को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा में गिरफ्तार किया गया था, जो लंबे समय से कलकत्ता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लिमिटेड एवं आरपीजी ग्रुप पावर प्लांट के खिलाफ उल गुलान मंच के तहत आंदोलन की अगुवाही कर रहे थे। इसी गिरफ्तारी के विरोध में आमगाछी पोखरिया में 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में आसपास गांवों के संथाल आदिवासी जेल भरो सत्याग्रह के लिए जमा हुए। उनकी मांग थी अपने चारों साथियों की बिना शर्त रिहाई। जुलूस आमगाछी से 5 किलोमीटर दूर ही थी कि यहां पूर्व नियोजित तरीके से तैनात पुलिस प्रशासन ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दृश्य को लोग समझ पाते इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आंसू गैस और हवाई फायरिंग से शांतिपूर्ण जुलूस में भगदड़ मच गई। इसी बीच 5 वाहनी गांव के साइगद मरांडी गोली का शिकार होकर घायल हो गए। तब जुलूस जेल भरो अभियान को बदलकर सिर्फ काठीकुंड के समीप चांदनी चौक पर स्थित सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वापस लौटने का निर्णय लिया। इसी आमसभा के बीच पुलिस अपने ही गाड़ी में आग लगाकर वहां से भाग खड़ी हुई। जनता इस पुलिसीय षड्यंत्र को समझ नहीं पाई और सिद्धू कानू चौक की ओर बढ़ने लगी। जलता हुआ बस से करीब 2 किलोमीटर आगे जुलूस बढ़ ही रही थी कि पेड़ के ऊपर से, स्कूल के कमरों की खिड़कियों से और निजी घरों के पीछे से गोली चलने लगी। इस दौरान 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उसी रात ज्यादा खून बहने और समय पर इलाज नहीं होने के कारण घायलों में से लुखीराम टुडू की मृत्यु हो गई। बाकी घायलों का इलाज झारखंड के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जहां उनको इलाज के दौरान पैरों में बेड़ियां डालकर कैदी वार्ड में रखा गया है। क्या झारखंड में जल, जंगल और जमीन की हिफाजत करना एक अक्षम्य अपराध है जिसकी सजा गोली और मौत के सिवा कुछ भी नहीं? यह राज्य बनने के बाद पहली घटना है जब जुलूस पर पुलिस के जवानों ने गोली चलाई हो। अब वहां असुरक्षा का माहौल बन गया है। काठीकुंड के घटनाक्रम में राज्य सरकार अभी भी मौन है। जब वहां की जनता प्लांट नहीं चाहती है तो फिर वहां कंपनी को जबरदस्ती क्यों बैठाया जा रहा है? एक ओर झारखंडी जनता और सामाजिक कार्यकर्ता राज्य में हो रहे मानव अधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को राज्य सरकार और प्रशासन का समर्थन मिल रहा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन जनता को स्पष्ट समझ है कि जल, जंगल और जमीन उसकी पहचान है और वह किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाहती। 100 दिन के अंदर ही शिबू सोरेन सरकार ने, जबकि पहले की सरकारों के पांव पर पद कमलों पर ही चलते हुए, जबकि ये करके दिखाया। वो स्टीफन मरांडी जी के आदेश से हुआ कि एसपी के आदेश से हुआ कि सीधे शिबू सोरेन जी के आदेश से हुआ, ये हमको नहीं मालूम है। सत्ता का तो चरित्र ही है, गरीब पर गरीब आंदोलन करने से गोली करेगा। जितना जितना टाइम संभव वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद एक सीमा पार करने से गोली चलेगा। ये सत्ता थोड़े हम लोग का है। लेकिन ये निश्चित हुआ है आदेश से और लोगों को सीने में गोली झाड़ी गई है, नहीं केवल पांव के कमर के नीचे। और लोग बिल्कुल शांति से पदयात्रा के रूप में आ रहे थे आमगाछी से, और निश्चित रूप से उनको सिद्धू कानून के पुतले को हार पहनाने का अधिकार था और ऐसी स्थिति में गोलियों की बौछार करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब न कंपनी को और न ही प्रशासन को वहां घुसने की हिम्मत है।
लोगों ने जनता कर्फ्यू का बैरिकेड लगा दिया है। जमीन के